Welcome to Wheels since 2020. Before we start, please subscribe and press the bell icon. So hello everyone and welcome to my channel Wheels since 2020. तो guys, वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं. तो दोस्तों, ये है आप लोगों का दी ओनली कवासाकी निंजा 400, जिसे कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल मार्केट में रिवील किया गया था इस गाड़ी को. दोस्तों, कवासाकी जो है एक कमाल की ब्रांड है, आप लोग जानते ही होंगे. कवासाकी मनाटो सिटी टोक्यो जापान से है. यह एक जापान का ब्रांड है कवासाकी. दोस्तों, कवासाकी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ऑल ओवर द कंट्रीज़ के बहुत सारे कंट्रीज़ में इसकी गाड़ियाँ बेचती है. कवासाकी इंडिया में भी काफ़ी साल से है एंड काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स बाइक बनाता है, जो कि इंडियंस को बहुत पसंद आते हैं. एंड बहुत सारी गाड़ियाँ कवासाकी की बहुत रन करती है. इनमें से सबसे ज़्यादा जो बजट फ्रेंडली गाड़ी है वह कवासाकी निंजा 400. उसके निंजा सीरीज़ की सभी गाड़ियाँ जो है वो इंडिया में बहुत अच्छा रन करती है. अब दोस्तों, बात करते हैं जो कवासाकी ऑल न्यू कवासाकी निंजा 400, जिसे कुछ दिन पहले ही कवासाकी ने इंटरनेशनल मार्केट में इस गाड़ी को रिवील किया था. तो दोस्तों, ये बाइक आप लोगों को ऑल टोटल दो कलर ऑप्शन में प्रोवाइड की गई है. टू न्यू पेंट स्क्रीम, एक है आप लोगों का दो न्यू पेंट स्क्रीम, एक है आप लोगों का ग्रे एंड दूसरा है आप लोगों का ब्लू कलर, जो कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे. ये दो कलर ऑप्शन. दोस्तों, ये बाइक जो है इंडिया में तो नहीं आती है, लेकिन इसे इंटरनेशनल मार्केट के लिए अभी रिलीज़ किया गया है. ये जो ब्लू कलर है दोस्तों, आप लोगों का मेटल ट्विलाइट ब्लू एंड दोस्तों जो ग्रे कलर है मेटल, दो न्यू कलर इंट्रोड्यूस किया गया है. और पहले के जो दो कलर आते थे, एक है आप लोगों का लाइम ग्रीन, दूसरा है मेटलिक स्पार्क ब्लैक. ये दोनों भी अवेलेबल रहेंगे मार्केट में. यही दो कलर ऑप्शन आप लोगों को अपडेट में मिलेंगे 2021 में. बाकी कुछ अपडेट नहीं किया गया है. गाड़ी के लुक्स वगैरह सब कुछ सेम है पहले की तरह. आप लोगों को गाड़ी में वही अग्रेसिव लुक मिलता है फ्रंट को देखने से. कवासाकी की फीलिंग आप लोगों को आ जाएगी. काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस ये बाइक फील करवाती है, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी भी प्रोवाइड करती है आप लोगों को. एंड बहुत ही हेवी बाइक है. फ्रंट में आप लोगों को अग्रेसिव डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा. LED ट्विन LED हेडलाइट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, साथ ही साथ LED DRL यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट भी आप लोगों को गाड़ी में दिया जाता है. आप लोगों को डार्क एंड विंड स्क्रीन देखने को मिला गाड़ी में. एंड साथ ही साथ स्पोर्टी रियर व्यू मिरर्स आप लोगों को गाड़ी में दिया गया है फ्रंट में, आप लोग देख सकते हैं. जो कॉकपिट है आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट प्लानर आप लोग कह सकते हैं, वो आप लोगों का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट प्लानर है, जो कि आप लोगों का मल्टी फंक्शनल प्रोवाइड किया गया है. इसमें आप लोगों का ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू MT, लो फ्यूल वार्निंग, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, टैकोमीटर, आप लोगों का गियर शिफ्ट इंडिकेटर, साथ ही साथ आप लोगों का गियर पोजीशन कौन से नंबर पर गियर है आप लोगों का, साथ ही साथ इंजन इमोबिलाइजर, सर्विसिंग की वार्निंग, डिजिटल क्लॉक, RPM मीटर, ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा. एंड फ्रंट एंड रियर में आप लोगों को डिस्प्ले दिया था गाड़ी में, डुअल चैनल ABS प्रोवाइड किया जाता है, ब्लैक ग्लॉसी अलोविल्स दिए जाते हैं गाड़ी में, जो कि गाड़ी को लुक को एनहांस करता है. साथ ही साथ एक फुल स्पोर्टी एग्जॉस्ट विथ क्रोम फिनिशिंग एग्जॉस्ट. एंड दोस्तों, आप लोगों को गाड़ी में स्प्लिट सीट भी दिया जाता है, जो कि गाड़ी को एक स्पोर्टी फीलिंग प्रोवाइड करता है. और भी अगर दोस्तों फीचर की बात करें, आप लोगों को क्लिप ऑन स्टाइल हैंडल बार मिलता है, लो सीट हाइट, अप स्विफ्ट एग्जॉस्ट, ये सब कुछ गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है. आप लोगों का जो कवासाकी निंजा 400 है, 400 यानी आप लोग को पता चलेगा कि एक 400 CC व्हीकल है. एग्जैक्टली बात करें तो 399 CC पैरेलल ट्विन इंजन व्हीकल है. दोस्तों, इसे चाइना में रिवील किया गया था अभी 2021 में. इसे जो चाइना में प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आप लोगों को 46 PS की मैक्सिमम पावर प्रोवाइड किया जाता है एट 9600 RPM. एंड जो टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है
वो आप लोगों का 37.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 8000 आरपीएम में प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों की गाड़ी में। आप लोगों की गाड़ी में 6 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है वेट क्लच प्रेस के साथ आप लोगों गाड़ी में दिया जाता है। तो दोस्तों ये गाड़ी जो है इंटरनेशनल मार्केट में तो अवेलेबल रहेगी ही, लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि इंडिया में अभी इसके आने के कोई प्लान नहीं है। इंडिया में जब कवासाकी निंजा 400 आया था वो दोस्तों आप लोगों का 2018 में आया था, जो आप लोगों का BS4 व्हीकल था। उसमें आप लोगों को उस टाइम पर ये अपनी सेगमेंट में सबसे अच्छी मोटरसाइकिल थी 400 cc की उस टाइम पे 2018 में। दोस्तों ये इतनी ज़्यादा नहीं बिकी इंडिया में, इसके सिर्फ लिमिटेड सेल्स हुए थे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था इसका हाई प्राइस टैग, जिसका प्राइस था 4.99 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस था। एंड दोस्तों जब इसको अपग्रेड किया जाए, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि अब आप लोग BS4 से अपडेट होकर BS6 पे जाना चाहिए, तो उस टाइम पे इस गाड़ी का प्राइस भी बढ़ने था, इसलिए ये गाड़ी और नहीं बिकती। तो इसलिए कंपनी ने इस गाड़ी को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया। 2018 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी एंड 2019 दिसंबर को इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था इंडिया में। इसलिए दोस्तों अब ये गाड़ी आप लोगों को अवेलेबल रहती है चाइना, USA, जापान, इन सभी कंट्रीज़ में। हालांकि इंडिया में आने के चांसेस इसके बहुत ही कम है। अभी तक कंपनी ने कुछ अनाउंस नहीं किया है इस गाड़ी को इंडिया में आने के बारे में। अगर ये गाड़ी को दोस्तों इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो कवासाकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा गाड़ी के प्राइस को कम रखने के लिए, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर जो है KTM RC390 वो इंडिया में अवेलेबल हो जाता है 2.35 लाख से। या फिर बात करें बेनेली 302R, ये गाड़ी जो है ये भी बहुत जल्दी इंडिया में अवेलेबल होने वाली है, लॉन्च होने वाली है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो भी एक्सपेक्टेड है नियरली 3.5 लाख के आसपास। बेसिकली दोस्तों अगर प्राइस कम होगी गाड़ी की तभी ये गाड़ी इंडिया में अच्छे से बिक सकेगी। तो दोस्तों इतना इन्फॉर्मेशन था आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी एंड इस गाड़ी के बारे में आप लोगों की क्या राय है। एंड गाइस अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि इस गाड़ी के बारे में आप लोगों की क्या राय है। अगर आप में से कोई इस गाड़ी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या फिर इस गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे पूछ सकता है, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब आपको कमेंट में ही दे दूँगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग किसी और गाड़ी का रिव्यू वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उस गाड़ी का रिव्यू वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में डाल दूंगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं एंड दोस्तों पहली बार के लिए आए हैं तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोग आगे भी हमारे चैनल पे देख सकें। तो फाइनली गाइस अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।